शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और एक अच्छा सा वक्त स्पेंड कर रहे होंगे। तो कैसा रहा आप सबका वीकेंड? आई होप आप सबका वीकेंड बहुत ही अच्छा बीता होगा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आप सबसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। आज मैं आप सबसे किचन एसेंशियल्स जो मैं यूज करती हूँ और डेली लाइफ में मेरे लिए वो बहुत यूजफुल है, जिसके बिना मेरा एक दिन भी नहीं चलता, वो शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और आज मैंने ये देखिए साड़ी पहनी है, रेड कलर की साड़ी है, साथ में ये इयररिंग्स। कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में बताना जरूर। तो सबसे पहले मैं आज इन दो चीजों से शुरू करती हूँ जो मेरे दादी नानी के जमाने से यूज होता आ रहा है और मेरे लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना मेरा एक दिन भी नहीं चलता है। थोड़ा सा आप सबको अटपटा लगेगा लेकिन शुरू से दादी को देखा, नानी को देखा, मम्मी को देखा तो मैं भी इसके बिना कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। मेरे किचन में ये मस्ट है। और यही नहीं, मैंने जब मुंबई में भी फ्लैट लिया था तो वहां भी सबसे पहले मैं ये दोनों ही परचेज करके लाई थी, क्योंकि इन दोनों के बिना मेरा एक दिन चलना मुश्किल है। ये जिसे हम लोग हांसू बोलते हैं, हसुआ। और मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स इसको देखे हैं और यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताना। इसको कैसे यूज करते हैं अभी मैं दिखाती हूं। और ये तो आप सब जानते होंगे, सिलबट्टा, और ये हम लोग तोलोड़ा बोलते हैं। ये मेरे किचन में सिंक के पास हमेशा होता है। और हमेशा तो नॉर्मली हम लोग पाउडर्ड मसाला यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा गरम मसाला पीस के देना होता है सब्जी में। और यकीन मानिए पाउडर्ड गरम मसाला का अपना फ्लेवर है और इसको सिलबट्टे पे पीस के देने से एक सब्जी में बहुत ही औसम फ्लेवर आता है। तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, इसको और दो मिनट में पीस जाता है, पीस लेती हूँ उस पर। ये मैं बिहार से लाई हुई हूँ, बहुत हैवी इसका देखिए बेस है और बहुत अच्छा है, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगता है। एक मिनट में यूं थोड़ा सा पानी के साथ इसको पीस लेती हूँ। तो सबसे पहला एसेंशियल मेरा ये है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये देखिए कभी कभार थोड़ा सा जीरा लहसुन अदरक पीसना हुआ तो इसमें झटपट पीस जाता है। तो ज्यादातर मैं दिन में एक बार, नहीं तो दो दिन में तो जरूर एक बार मैं इस पे मसाला पीस के यूज करती हूँ। अभी मैं आ जाती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे। तो मेरे लिए चॉपिंग बोर्ड इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि मैं हसुआ से सब्जी काटती हूँ, तो इसका यूज मैं सिर्फ सैलेड काटने के लिए या छोटा मोटा टोमेटो काटना हो, एक दो आलू काटना हो, थोड़ा सा मिर्ची काटना हो, धनिया का पत्ता काटना हो, बस इतना ही यूज होता है। तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा रख रखा है, मेरे पास बड़ा नहीं है, एक ही है बस, यही है। देखिए यूज तो होता है, ये भी यूजफुल है मेरे लिए, लेकिन मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। और यही बात नाइफ पे भी आती है, मैं नाइफ भी ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। मेरे पास सेट्स तो है, ये देखिए रखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली मैं ये दो यूज करती हूँ बस, थोड़ा सा फ्रूट्स काटने के लिए या टमाटर, धनिया पत्ता, सैलेड, तो बस ये दो नाइफ में यूज करती हूँ। मेरे लिए नाइफ इतना यूजफुल नहीं है, बहुत कम यूज करती हूँ। मेरे लिए बहुत यूजफुल है, ये देखिए मेरे पास दो है, कभी इसका यूज करती हूँ, कभी कभार इसका। और ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है, सबसे प्यारा चीज मेरे पास सिलबट्टा और हसुआ के बाद ये है। मेरे पास चॉपर भी है मैनुअल, लेकिन इसका मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। कुछ भी ग्रेट करना हो तो इस तरफ से मोटा वाला है, थोड़ा बारीक और बहुत बारीक। कोई चीज अगर भरवा पराठा या किसी चीज के लिए यूज करना हो तो मोटे तरफ से, जिंजर ग्रेट करना हो तो ये देखिए बारीक वाला, कुछ स्लाइस करना हो
जैसे आलू स्लाइस करना है, प्याज स्लाइस करना है, तो ये देखिए ये पार्ट्स, तो ये बहुत यूजफुल है। तो सिलबट्टा और हसुआ के बाद सबसे ज्यादा मेरे लिए यूजफुल यही है ग्रेटर। अब नंबर आती है ये वाले मैनुअल चॉपर की, तो इसका मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब चाइनीज बनाती हूँ या कभी कभार ग्रेवी बनाना हो, गेस्ट आते हैं, तो इससे बहुत आसानी होती है। मैं प्याज टमाटर ग्रेट कर लेती हूँ, मतलब इसमें चॉप कर लेती हूँ, बिल्कुल बारीक चॉप हो जाता है। या कभी कभार चाइनीज बनाना हो, जैसे मंचूरियन हो गया, फ्राइड राइस हो गया, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स काटने होते हैं, चॉप करने होते हैं, तो इसमें झटपट से चॉप हो जाता है, तो ये भी मेरे लिए बहुत यूजफुल है। मेरे पास दो मोटर पेस्टल है, ये देखिए एक बड़ा सा थोड़ा, ये छोटा सा क्यूट सा, ये थोड़ा सा आप सबको येलो दिख रहा होगा क्योंकि इसको मैं हल्दी क्रश करने के लिए यूज करती हूँ। हम लोग सुबह सुबह आप सबसे शेयर की हुई हूँ टर्मरिक टी पीते हैं, तो रोज इसमें मैं हल्दी को क्रश करती हूँ, तो ये पीला है, ये नॉर्मली हल्दी के लिए ही है, या कभी कभार जिंजर गार्लिक क्रश करना हो इसके लिए है, और ये बाकी दूसरी चीजों के लिए जैसे इलायची हो गया या कुछ भी क्रश करना हो इसके लिए ये है। इसके बिना भी मेरा एक दिन नहीं चल सकता, बल्कि सुबह उठते ही सबसे पहले मेरी शुरुआत तो इसी के साथ होती है, क्योंकि मैं टर्मरिक टी लेती हूँ तो सबसे पहले इसका यूज करती हूँ। और ये मेरा छोटू सा क्यूटू सा इलेक्ट्रिक केटल, इसके बिना भी एक दिन नहीं चलेगा मेरा, क्योंकि दिन भर ग्रीन टी लेना होता है, कभी गर्म पानी पीते हैं, अभी जैसे ठंड आ रहा है तो हम लोग गर्म पानी पीते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। अब बारी आती है बीटर की, तो ये मेरे पास दो तीन है लेकिन सभी ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं बस इसी का यूज करती हूँ, और मैं ज्यादातर चीजें तो हाथ से ही फेंटती हूँ, जैसे कढ़ी बनाना हो या कुछ भी हाथ से फेंटने वाला चीज, बस इसका यूज मैं अंडा फेंटने के लिए या केक बनाने के लिए करती हूँ। फिर ये चलनी, मेरे पास बड़ा वाला भी है जिसमें हम सब्जी को धोते हैं, लेकिन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मेरे पास जितने यूटेंसिल्स हैं उसका, तो उसके साथ शेयर करूंगी, तो अभी बस ये छोटे वाले जो चलनी है ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है। सूप बनाती हूँ या तरबूज का जूस निकालना हुआ तो इससे छानते हैं, केक बनाना हुआ तो सीव करने के लिए, मेरे लिए ये वाली चलनी बहुत एसेंशियल है। छलनी, मेरे ख्याल से छलनी बोलते हैं इसको, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं आप सब बताना, मैं इसको कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी छलनी बोल देती हूँ कभी चलनी बोल देती हूँ, तो आप सब क्या बोलते हो कमेंट में बताना जरूर। और ये जार तो आप सबने हर ब्लॉग में देखा होगा, इसके बिना भी मेरा एक दिन नहीं चलता है, क्योंकि डिटॉक्स वाटर हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैं डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। वैसे तो घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं सबके पास, लेकिन आज जो मैंने आप सबसे शेयर की है ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हमारा एक दिन भी नहीं चलता है, जिसको मैं रोज यूज करती हूँ, वो आप सबसे शेयर की हूँ। ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मेरे पास तीन मिक्सर ग्राइंडर है, एक न्यूट्रीब्लेंड का, एक बजाज का और ये वाला फिलिप्स का, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसी ग्राइंडर को यूज करती हूँ, क्योंकि सबसे पावरफुल यही जो फिलिप्स वाला है यही है, और मेरे घर में ग्राइंडर बहुत यूज होता है, क्योंकि मैं हर मसाला घर का ही यूज करती हूँ, तो बहुत सारे मसाला ग्राइंड करने होते हैं, हम लोग चटनी भी बहुत खाते हैं तो चटनी भी पीसना होता है, और दाल को पीस के भी बहुत सारे डिश हम बनाते हैं, बनाते रहते हैं, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है, तो ओवरऑल मेरे घर में ग्राइंडर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये देखिए इसके तीन जार हैं, ये मसाला को ग्राइंड करने वाला, और इससे शेक्स बनाना हुआ, घी निकालना हुआ, और एक चटनी जार है। अब आ जाते हैं जूसर पर, तो जूसर भी मेरे घर में फिलिप्स का ही है, और इसके पीछे एक कहानी है। जब हम लोगों ने तकरीबन 3-4 साल 5 साल हो गए मुंबई में फ्लैट बुक किया था, तो हम लोगों को एक गिफ्ट कूपन मिला था फिलिप्स का, तो उससे मैंने ये जूसर खरीदा था, और ये जूसर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये देखिए छोटा सा जार है जिसमें मैं जूस निकालती हूँ, और
ज़्यादातर हम ऑर्डिनरी घिया करेला का जूस पीते हैं, कभी कभार ग्रीन एप्पल, कैरोट और घिया को मिक्स करके थोड़ा सा पालक भी उसमें ऐड कर देते हैं तो आसानी से इसमें निकल जाता है। बच्चों को मेरे घर में कैरोट और कीनू का जूस बहुत पसंद है तो वो भी मैं ज़्यादातर निकालती हूँ विंटर सीजन में। ये फिलिप्स का एयर फ्रायर हम लोगों का जान है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑयल फ्री चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, जैसे समोसा। ज़्यादातर समोसा मैं बेक करके इसी में बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में समोसा सबको बहुत पसंद है, और पकोड़े भी मैं इसमें बेक करके बनाती हूँ। हम लोग चिकन लवर हैं तो तंदूरी चिकन, तंदूरी टिक्का, और इसमें बहुत ही मज़े का बनता है विदाउट ऑयल, बहुत कम ऑयल लगता है। केक मफिन्स भी बहुत अच्छा बनता है तो बच्चे भी इसमें आसानी से बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं किसी भी कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं जिस कंपनी का यूज करती हूँ वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ अपना अनुभव। तो फ्रेंड्स, एयर फ्रायर मेरे लिए बहुत यूजफुल है। आप सबको पता है हम लोग लिट्टी बहुत खाते हैं तो लिट्टी भी इसमें बहुत आसानी से बन जाती है, और ज़्यादातर बेकिंग में इसी में करती हूँ, माइक्रोवेव में बहुत कम करती हूँ। माइक्रोवेव का यूज मैं सिर्फ बेकिंग के लिए करती हूँ, खाना भी मोस्टली मैं गैस पे ही गर्म करती हूँ। हाँ, मेरे घर में ज़्यादातर हम लोग होममेड पाव खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो इस चीज़ में माइक्रोवेव मेरे लिए बहुत यूजफुल है। बहुत सारी पाव की रेसिपी मैंने आप सबसे शेयर की हुई है, या पिज्ज़ा बनाना हो, पिज्ज़ा बेस भी मैं घर में ही बनाती हूँ, तो माइक्रोवेव मेरे घर में सिर्फ बेकिंग के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया होगा, और आज जो जो एसेंशियल्स मैंने आप सबसे शेयर की है वो डेली लाइफ में जो मैं यूज करती हूँ हर दिन वही शेयर की है। बहुत सारे ऐसे एसेंशियल्स हैं जिनका यूज मैं वंस इन अ वाइल करती हूँ, उसको मैंने शेयर नहीं की हूँ, और आज जितनी चीजें मैंने शेयर की हूँ आप डेली लाइफ में देखते होंगे मैं यूज करती हूँ। और आशा करती हूँ आप सबको आइडिया लग गया होगा कौन कौन से किचन अप्लायंसेस कितना यूजफुल है। जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में आप सबके लिए कौन सा अप्लायंसेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आप सबसे शेयर की थी सिलबट्टा और हंसुआ। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।